हे गाइस वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इस लेक्चर में हम बात करेंगे मियोसिस वन के बारे में सो लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज मियोसिस मियोसिस जानने से पहले थोड़ा सा माइटोसिस के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग देखो हमें याद है जाइगोट बनता है जाइगोट क्या एक सिंगल सेल है सिंगल डिप्लॉयड सेल है मतलब इसमें फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होगा डिप्लॉयड सेल है ये जो हमारा जाइगॉट है इसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस से ब्लास्टोसिस्ट बनता है ब्लास्टोसिस्ट में आगे जाके फिर माइटोसिस होता है और ब्लास्टोसिस्ट सेल से बनता है माइटोसिस के बाद इमरा और इम्रायो के अंदर जो सेल्स है उनमें फिर माइटोसिस होगा और पूरा का पूरा एक फीटस एक बेबी फॉर्म हो जाता है एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है एक सिंगल सेल से ये कैसे बनता है? जब फीमेल का ओवम और मेल का स्पम इंटरकोस के टाइम आपस में फ्यूज करता है तो फर्टिलाइजेशन होता है एक फीटस बन जाता है ये जो हमारा ओवम है और स्पम है जिससे जिससे पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया ये ओवम और स्पम बनता है मियोसिस से मियोसिस डिवीजन होता है गैमेट सेल्स में कैसे चलो देखते हैं ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये दो ओवरी प्रेजेंट है फीमेल्स इन में इनमें एक सेल होता है जिसे कहते हैं उगोनियम ये जो उगोनियम है इनमें माइटोसिस होता है सपोज एक उगोनियम है एक उगोनियम सेल है जो कि डिप्लॉयड है जिसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसका माइटोसिस हुआ और दो प्राइमरी ऊसाइट बना ठीक है ये जो दो प्राइमरी ऊसाइट है ये वापस से डिप्लयड होते हैं और इनमें भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है ये जो दो प्राइमरी ऊसाइट है इनमें से हर एक एक ऊसाइट चार ओवम बनाता है चार ओवम बट याद रखना ये जो चारों ओवम है ये येड होते हैं हर एक एक ओवम में चारों ओवम में उनमें से हर एक एक ओवम में ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है तो मियोसिस से प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस हुआ और उससे हमारा बना ओवम तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस तुम्हें पता चल रहा होगा अब चलो स्पर्म की बात करते हैं स्पर्म किस में होता है मेल में होता है तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये दो टेस्टिस इनमें प्रेजेंट होता है स्पोमेटोगोनियम सेल्स ये जो स्पोमेटोगोनियम सेल है सपोज एक स्पोमेटोगोनियम सेल है जो कि डिप्लॉयड है जिनमें फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट है उनमें माइटोसिस होता है और दो प्राइमरी स्पोमेटोसाइट बनते हैं ये जो दो प्राइमरी स्पोमेटोसाइट होते हैं ये वापस से डिप्लॉयड होते हैं और इनमें फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है ये जो दो प्राइमरी स्पोमेटोसाइट है ये आगे जाके चार चार स्पर्म सेल बनाते हैं जो कि हेप्लॉयड होता है जिनमें ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है तो मियोसिस क्या कर रहा है गैमेट सेल के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है डिवीजन में हेल्प कर रहा है ओवम और स्पर्म बना रहा है फीमेल में कहां से बन रहा है प्राइमरी ओसाइट से और मेल में बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस के बाद तो जो हमारा मियोसिस है इट अकर्स इन गैमेट सेल्स आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा अब देखो मियोसिस वन और मियोसिस टू क्या है थोड़ा एक बेसिक आइडिया ले लो मियोसिस वन में क्या है हमारा एक डिप्लॉइड सेल है टू टूवेंट सेल है अगर ये फीमेल में होगा तो प्राइमरी होगा और अगर ये मेल में होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा तो ये हमारा पेरेंट सेल है पेरेंट सेल वन के बाद टू एन था एन एन डिप्लॉयड सेल था उससे ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम तो ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन तो ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन क्यों क्योंकि जो क्रोमोजोम नंबर है पेरेंट सेल में फोर्टी सिक्स था बट जो दो सेल फॉर्म हुआ उनमें रिड्यूस हो गया क्रोमोजोम नंबर छियालीस से तेईस तेईस हो गया इसलिए रिडक्शनल डिवीजन फिर आता है मियोसिस टू मियोसिस टू में क्या होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है मतलब ये जो हमारा ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम वाला हैप्लॉयड सेल था ये आगे जाके भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम वाला ही हैप्लॉयड सेल बनाता है इक्वली क्रोमोजोम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कम रिड्यूस नहीं होंगे वैसे इस सेल में भी होगा ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम वाला जो हमारा हैप्लॉयड सेल था जो दो डॉटर सेल बनाएगा उनमें भी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम ही प्रेजेंट होंगे तो एंड प्रोडक्ट देखो एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से चार चार्प्लॉयड डॉटर सेल बन रहे हैं म्योसिस वन और म्यूसिस टू के कंप्लीशन के बाद फोर हैप्लॉयड डॉटर सेल्स जो बने हमारा एक पेरेंटल सेल से वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम इच अदर एंड फ्रॉम द पेरेंट सेल तो ये जेनेटिकली इसलिए डिफरेंट होते हैं ताकि वेरिएशन आए जो नेक्स्ट प्रोजेनी है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है तभी तो एवोल्यूशन होगा जैसे होता है ना जो पेरेंट्स होता है उनका जो बेबी होता है वो पेरेंट्स से थोड़ा बहुत फेस में सिमिलर होते हैं दिखने में बट उनमें भी उनका एक अपना एक वेरिएशन अपना एक क्वालिटी रहता है तो इसीलिए चारों एम्प्लॉयड डॉटर सेल होते हैं ना वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं आपस में भी और पेरेंट सेल से भी अभी एक चीज देखो मियोसिस हमने देखा म्यूसिस वन और म्यूसिस टू में डिवाइडेड है म्यूसिस वन में चार फेज होता है प्रोफेज वन मेटाफेज वन एनाफेज वन टीलोफेज वन प्रोफेज वन जो होता है ना म्यूसिस वन का वो आगे जाके और पांच फेज में डिवाइडेड होता है लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन और डायकाइनिसिस म्यूसिस टू जो है ये डिवाइडेड होता है आगे और चार फेज में जो कि है प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू टेलोफेज टू इस लेक्चर में हम सिर्फ मियोसिस वन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एक पेरेंट सेल से दो हेप्लॉयड सेल मिल रहा है एक जो डिप्लॉयड सेल था टू वन उससे दो हैप्लॉयड सेल मिल रहा है रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस टू के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलो पहले प्रोफेस से स्टार्ट करते हैं प्रोफेस का पहला फेस क्या है लेप्टोटीन लेप्टोटीन में देखो क्या होता है ये हमारा सेल है गैमेट सेल ये सेंट्रियॉल प्रेजेंट है के अराउंड एस्ट्रल रेस प्रेजेंट है और स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है होगा होगा एस हो देखो हैिप्टोटिन फेज में क्या होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन स्टार्ट हमारा जो क्रोमैटिन था पहले तो एक चीज ध्यान दो ये जो सेल है ये सेल इंटरफेस करके आया है इंटरफेस से होके आया है जैसे माइटोसिस में हुआ था ना इंटरफेस से सेल आया उसके बाद माइटोसिस फेज में गया और डिवाइड किया वैसी मियोसिस में भी ये जो हमारा सेल है ये इंटरफेस कर क्या है इंटरफेस सेम होगा अगर तुम्हें समझना है इंटरफेस क्या है तो इंटरफेस का लेक्चर देख के आओ और फिर मियोसिस यहां से देखना कंटिन्यू करो और अगर तुम्हें पता ही है, है तो बहुत अच्छी बात है आगे देखो कंडेंसेशन ऑफ स्टार्ट होता है ठीक है क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप और जो हमारा क्रोमोजोम है जो कि वो कंडेंस हो रहा है क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है क्रोजोम में तो क्रोमोजोम लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में विजिबल होने लगता है थोड़ा बहुत तो ये हमारा लेप्टोटिन फेज में हुआ आगे का दूसरा फेस क्या है Zygotin. Zygotin में क्या होता है देखो साइनाप्सिस होता है synapsis मतलब क्या पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम ये हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम ठीक है होमोलोगस क्रोमोजोम में देखो क्या होने लगता है पेयरिंग होने लगता है दोनों आपस में मिलने लगते हैं ये जो क्रोमोजोम है क्रोमेटिन से कंडेंस होकर फॉर्म हुए ये जो जिस स्ट्रक्चर से आपस में दो होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर की है इसे कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो कि बना होता न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का और जो हमारा एक होमोलोगस पेयर है उसे कहते हैं बाय पेयर्ड होमोलोगस होमोलोगोम को बायेंट्स भी कहते हैं जैसे यहाँ देखो दो बायेंट प्रेजेंट है एक ये और एक ये दूसरा ये तो बायोलेंट क्या होगा पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम ये एक पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम है और ये दूसरा पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोजोम है तो दो बाय वैलेंट प्रेजेंट है फॉर्मेशन ऑफ बायोलेंट बट नॉट क्लियरली विजिबल ये जो फॉर्मेशन होता है ना बायो वायलेंस का जब पेट होमोलोगोसक्रोमोजोम बन रहे होते हैं क्योंकि उनके बीच में सैन एप्टोमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और दोनों को अटैच करता है होमोलोगक्रोमोजोम को बट ये स्टार्टिंग में हो रहा होता है जयगोटिन फेस में इस समय ये जो बायोलेंट्स होंगे ना ये अच्छे से क्लियर नहीं दिखते हैं उतने ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं और एक चीज ध्यान रखना एक होमोलोगस्ट क्रोमोजोम में तुम देखोगे तो टोटल चार क्रोमैटिक्स प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं टेट्राड्स, ऑल्सो नोन एज टेट्राड्स। वैसे इस होमोलोगस क्रोमोजोम में देखो चार क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है गिनो एक दो तीन चार चार क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहेंगे टेट्रैड्स तो ये फेज देखा हमने का अब नेक्स्ट पैकेटिन पैकेटिन में देखो क्या हो रहा है क्रॉसिंग ओवर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है रिकॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं ये एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है पहले ये देखो यहां देखो ये हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर दो, दो होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर ये देखो ये हमारा जो क्रोमोजोम ग्रीन वाला क्रोमोजोम का जो दो क्रोमेटिड है उन्हें हम आपस में कहेंगे सिस्टर हमारा क्रोमोजोम तो ये दोनों क्या है सिस्टर क्रोमेटिड्स लेकिन एक और क्रोमोजोम है तो इसका एक क्रोमेटिड और इस क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड ये दोनों है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर Chromatids. तो होता क्या है जो हमारा जो दो क्रोमोजोम था होमोलोग था उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है ये देखो रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है और रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का फॉर्मेशन होता है क्रॉसिंग ओवर जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन एंजाइम क्या करता है देखो दो तरह के रिकॉम्बिनेशन एंजाइम होते हैं एंडोन्यूक्लियस और लाइगेस एंडोन्यूक्लियस क्या करता है ग्रीन वाला जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसका कुछ हिस्सा को काटता है और ब्लू वाले जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसके कुछ हिस्सा को काटता है और लैगेस क्या करता है ग्रीन वाला कुछ हिस्सा को ब्लू वाले हिस्सा के साथ जोड़ देता है और ब्लू वाले कुछ हिस्से को ग्रीन वाले हिस्से के साथ जोड़ देता है जो हमारा जो होमोलोगस क्रोमोजोम था उनके बीच में तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर करा देता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या करता है ब्लू वाले हिस्से का कुछ ग्रीन वाले में जोड़ दे रहा है और ग्रीन वाले का कुछ ब्लू वाले में जोड़ दे रहा है ये जो दो क्रोमोजोम है जो होमोलोगस पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं

खत्म हो, हो जा रहा है रिकम्बाइंड होमोलोग ओवर जैसे देखो ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा था याद है तुम्हे नॉन सिस्टोक्रोमेटिक्स के बीच में तो क्या होता है अब ये जो नॉन सिस्टक्रोमेटिक के बीच में जो पूरा रिकॉम्बिनेशन हो रहा था पूरा उलझन था वो सुलझने लगता है और जो रिकम्बाइंड होमोलोगस होते है स गेट सेपरेटेड सेपरेट करने लगते हैं बट एक साइड पे नहीं होते सेपरेट अच्छे से उसे कहते हैं काइजमेटा शेप स्ट्रक्चर होता है एक्स शेप स्ट्रक्चर देखो एक्स बना हुआ है एक्स शेप स्ट्रक्चर क्रॉसिंग ओवर तो पूरा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में हो रहा है बट जहां पे आके दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुए उस रीजन को कहते हैं काइजमेटा जहां पे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सिस्टमक्रोमेटेड पेयर के अभी भी अटैच है नेक्स्ट डायकाइनेसिस डायकाइनेसिस में देखो क्या होता है टर्मिनलाइजेशन जिसका मतलब होता है स्लिपिंग ऑफ काइजा काइजमेटा स्लिप करने लगता है ये जो हमारा एक्स वाला स्ट्रक्चर था अब स्लिप करने लगा अब कुछ ऐसा हो जाता है अब यहां जो एक्स था वो फॉर्म नहीं हुआ हट गया स्लिप कर गया ये देखो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा

गैमेट सेल है वो अब प्रोफेस से मेटाफेज में जा रहा है तो नेक्स्ट हमारा जो फेज होगा वो है मेटाफेज मेटाफेज में देखो क्या होता है रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोजोम ऑफ बायोलेंट्स अरेन्ज एट इक्वेटर हमारा जो बायोलेंट्स है मतलब जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोजोम का वो इक्वेटर पे आके अरेंज हो जा रहा है और जहां पे इक्वेटर पे अरेंज हुआ है मुझसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट फिर आया एनाफेज एनाफेज में देखो क्या होता है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम हमारा जो होमोलोगस पेयर था ना ये जो पेयर था बिछड़ जाता है होमोलोगस पेयर में जो एक क्रोमोजोम है ऊपर की तरफ जाएगा दूसरा नीचे की तरफ सेम दूसरे पेयर के साथ भी होता है ये देखो बिछड़ गया नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूजेस टू हाफ क्रोमोजोम अब हाफ हो गया देखो दो इधर आ गया दो इधर आ गया पहले टोटल चार था क्रोमोजोम्स रीच्ड एट ऑपोजिट पोल क्योंकि जो क्रोमोजोम है वो ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए हैं एक नोट है यहाँ पे याद रखना पेयर होमोलोग नोटर क्रोमेटिक ना कि सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना सिस्टर वो सेपरेट नहीं किया है सेंट्रोमेयर स्प्लेट नहीं किया हमारा जो होमोलोगस पेयर में जो क्रोमोजोम था एक क्रोमोजोम ऊपर चला गया दूसरा क्रोमोजोम नीचे आया वही दूसरे पेयर के साथ भी हुआ तो ये चीज ध्यान में रखना कंफ्यूज मत हो जाना फिर आता है टेलोफेज टेलोफेज में देखो क्या हो रहा है साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल और दो सेल बनाता है डायड डायड मतलब दो सेल दोनों में दो दो क्रोमोजोम है क्रोमोजोम नंबर हाफ हो गया पहले चार था याद करो चार था अब हाफ हो गया दो दो हो गया द क्रोमोजोम अंडरगो डिस्पर्शन और क्रोमोजोम जो होता है वो डिकनडेंस होने लगता है

इक्वेशनल डिवीजन करते हैं मतलब 23 थ्री इसमें था तो इसमें भी 23 और 23 रहेगा रिड्यूस नहीं होगा सेम इस सेल के साथ भी 23 थ्री सेल है तो जो दो सेल बनाएगा ये ये भी 23 है और म्यूसिस टू के एंड में चार डॉटर सेल मिलते हैं चार डॉटर गैमेट सेल जो कि जेनेटिकली आपस में अलग होते हैं इनफैक्ट पेरेंट सेल से भी जेनेटिकली डिफर करते हैं म्यूसिस वन और म्यूसिस टू के बीच में एक फेज़ आता है जिसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस फेज ये बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट फेज होता है थोड़े समय के लिए आता है बिटवीन म्यूसिस वन और म्यूसिस टू इसमें जो सेल है ना प्रिपेयर कर रहा होता है खुद को कि वो म्योसिस टू में जाए नेक्स्ट लेक्चर में हम म्योसिस टू के बारे में पढ़ेंगे तो यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है अब तुम्हें तो लेक्चर समझ में आया समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बेलाइकन दबाना वीडियो को लाइक करना नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बाय थैंक यू टेक केयर